सहनावतो सहनौभुन तो, सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावधी तमस्तो मिषा वह ओ शांति शाति शांति वैदिक जीवन पद्धति किस इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है उनका परम हमको आशीर्वाद मिला है गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है जिससे हम अपने इस जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने का जो व्रत जो संकल्प जो हमने एक बहुत बड़ा व्रत लिया है कि हमको वेदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन को वेद अनुकूल बनाना है तथा अनुकूल जीवन स्वयं जीकर के दूसरों को भी अनुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरणा करनी है क्योंकि सब मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि स्वयं वह सत्य का दया का करुणा का धर्म का पुण्य का सदाचार का परोपकार का व्रत ले उसको अपने वाचा कर्मणा धारण करे तथा दूसरों को भी ऐसा जीने का प्रबोधन दे ऐसा जीने का उत्साह दे उनको दिशा निर्देशन दे जिससे अन्य के जीवन में भी यह बहुत ही महनीय जान है उसको वह ग्रहण करके जीवन को धन्य कर सके आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसवें सूक्त के सातवें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है हमारे अंदर की जो ग्लानी है जो खेद है जो आलस्य है वो दूर हो हमारे निकट कभी ना आए जिससे हम हर प्रकार के दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से बच पाएं और अपने जीवन को दिव्यता से भव्यता से हर प्रकार से धन्य कर सकें तो वेद मंत्र पहले लिखता हूँ मैं फिर इसकी चर्चा करूँगा ओम నామా తమన్నా

तंद्रन्ना, तंद्रन्ना, तंद्रन्न, वोचामा

यो मे प्रणाद्यो यो में प्रणाद्यो, तदद्यो, the, the द्यो, निबोधाद्यो నిబోధాద్యు మా శునువంతముప మా సున్వంతముపా గోభి రాయత दूसरे मंडल के तीसवें सूक्त का यह सातवां मंत्र है ओम नाम श्रमन्नोता तंद्रन्ना वोचाम मा सुनोतेति सोमं यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुनुवन्तमुपगोभिराय ॐ नामात्मन् श्रमन्नोत तन्दन्न वोचा मा मा सुनोतेति सोमं यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुनुवन्तमुपगोभीरायत् वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं बहुत ही सुंदर चर्चा की है हे इंद्र माँ मुझे न तमत युक्त ना करे युक्त ना कर दें मैं कर्तव्य कर्मों को करने से कभी उबूँ नहीं मैं कभी इससे हटू नहीं कभी मेरे अंदर इसके प्रति अरुचि का भाव ना आए सदा मैं रुचिपूर्वक उत्साहपूर्वक समर्पण और श्रद्धा पूर्वक कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहूं, क्योंकि सदकर्म सद्धर्म स्वकर्तव्य स्वधर्म मेरे लिए सर्वोपरि है मेरे जीवन के और इस जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार से मैं कर्तव्य कर्मों को करने में कभी भी अपने को पीछे न रखूं ना श्रमत मुझे खिन्न भी ना करें मैं उदास होकर के कर्तव्य कर्मों में कभी प्रमाद ना करूं तमु ग्लानो जो कहा तमत ना ग्लानव धातु है और श्रमु खेद धातु है खेद प्रकट ना करूं किसी भी कर्म को करते समय किसी भी शुभ कर्म करने में कभी भी मैं ग्लानी का अनुभव ना करूं मैं कभी भी इससे ऊब ना जाऊं कभी भी इससे मेरा वैराग्य ना आए अर्थात सदकर्म सदधर्म के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए क्योंकि कर्म की बड़ी प्रधानता है कुछ लोग कर्म करते करते थक जाते हैं उसमें उनको बड़ी अरुचि लगने लगती है रोज वही काम रोज वही काम रोज़ वही भक्ति रोज वही ओम नाम वही वेद मंत्र वही स्वाध्याय क्या रोज़ करना कुछ नया हो जाए कुछ नया हो जाए कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिले वही भगवान की भक्ति वही पूजा पाठ क्या है ऐसा कुछ विचार करते हैं और उससे उबने लगते हैं उसको करने में उनको बड़ी खिन्नता महसूस होती है बड़ा खेद महसूस होता है अनुभव करते हैं और फिर उससे प्रमाद करने लगते हैं प्रमादी हो जाते हैं तो कहा कि तमु ग्लानो श्रमु खेदे मैं कर्तव्य कर्मों को कभी भी करने से ऊबू नहीं सदा मैं अपने जीवन को सदगति की ओर सन्मति के साथ आगे बढ़ाता रहो कर्म की प्रधानता है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस सो तस फल चाखा कुर कर्माणी जिजी विशेषतम समाह थे तोस्ति ना कर्म लिप्य नरे असूर्या नाम ते लोका अंधे न तम सावृता तांस्ते गच्छन्ति ये के चात मनोजना कुरवन्य यहाँ जो बात कही कुरवन कर्माणि कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा रखो और उन कर्मों में कभी भी खेत मत प्रकट करो कभी भी उनसे ग्लानी आपको ना हो कभी उनसे उबे नहीं उनको करने में उत्साह बना रहे और फिर बोल रहे मिलेगा क्या इससे तो भगवान क्या कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्तु कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म तुमको अवश्य फल देगा शुभ कर्म किया है तो शुभ फल मिलेगा अशुभ किया है तो अशुभ मिलेगा इसलिए मन में वाणी में व्यवहार में जब हम यह कर्म के जो साधन है इनसे जो कर्म करते हैं तो कभी भी कोई गलत कर्म ना करें जिससे हमको ग्लानी महसूस हो हमको उसमें खेद प्रकट करना पड़े हम सदा सर्वदा उच्च विचार के साथ उच्च कर्म करने का प्रयत्न करें और मेरे जो है जो अंतःकरण की स्थिति है उस अंतःकरण के जान के प्रकाश के अनुसार जीवन को जीना चाहिए और यही सबसे उत्तम ज्ञान है इसलिए कहा है कि मुझे आलस्य तंद्रता मुझे तंद्रा युक्त न कर दें उत वह इंद्र न तंद्रता मुझे तंद्रा से युक्त ना कर दे मुझे आलस्य में मत जाने दो हम सोमम माँ सुनोता सोम का संपादन जो है ना करो वीर शक्ति के रक्षण का इतना महत्व तो नहीं है इति माँ वो चाम इस प्रकार की बातें ना करें कितनी सुंदर बात कही है। इतना अद्भुत वेद मंत्र यह है कि जो विशेष ऐसी बातें करते हैं अरे क्या इसमें करना क्यों इंद्रिय जय करना इंद्रियों से हमको क्या मिलेगा भोग भोगो इसी में आनंद है और ये सब जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं वीर रक्षण की बात करते हैं मेधा की बात करते हैं ये सब क्या है ये सब बिना मतलब की बातें ऐसा एक बार भी विचार ना करें। एक बार भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये सब अनावश्यक चीजें हैं क्योंकि इसका अत्यंत महत्व तो है और आजकल सबसे ज्यादा यही खुराफात लोग करते हैं ऐसे ऐसे बेढंगे चिकित्सक भी जो प्रामाणिक नहीं है और ऐसी बातें करते हैं तो सब शारीरिक प्रक्रियाएं ही इनसे शारीरिक क्रियाएं हैं कुछ ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है ये तो सब ऐसा ही है और इस भारत भूमि का जो गौरव है जो इसकी त्याग तपस्या की इंद्रिय जय की जो परंपरा है उस परंपरा को विदीर्ण करने का उसको उखाड़ फेंकने का उसको गर्त में ले जाने का बहुत बड़ा षडयंत्र चारों ओर से रचता है लोग चारों ओर से लोगों की जो भारतीयता को जो नहीं चाहते हैं जो ऋषि संस्कृति को नहीं चाहते हैं उनका बहुत बड़ा एक षडयंत्र यौन शिक्षा के नाम पर यौन स्वच्छंदता के नाम पर इतना संस्कारों को धूल से सानने का मिट्टी में मिलाने का काम लोगों ने उसका ठेका लिखा रखा है उसको करने के लिए तो इससे हमको बचना चाहिए और एक भी बार ये शब्द भी हमारे मुख में नहीं आना चाहिए कि अनावश्यक बातें हैं इनसे क्या लेना देना और इस प्रकार की बातें हमको नहीं करना चाहिए इंद्र वे हैं यह जो मे प्रणात मेरी उत्तम कामनाओं को पूर्ण करते हैं यो ददत जो मुझे सब आवश्यक वस्तुओं व धनों को देते हैं यह निबोधात जो मुझे जान युक्त करते हैं और यह जो सुनवंतम सोम का अभिषव अर्थात वीर शक्ति का संपादन करते हुए माँ मुझको गोभी जान की वाणियों के साथ साथ प्रकाश की किरणों के साथ साथ उप आयात समीपता से प्राप्त होते हैं कितनी सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति इन जान की गंगा में डुबकियां लगाता है जान को अपने जीवन में उसका आधान करता है और जीवन को महान बनाता है वही इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करते हैं इसलिए हम कभी भी ऐसी कोई भी गतिविधि में संलिप्त ना हो जहाँ पर पछतावा हो जहाँ पर ग्लानी हो जहाँ पर खेद हो जहाँ पर आलस्य हो ऐसे इन जो बिंदु हैं इस वेद मंत्र में जो गिनाए हुए हैं इनसे हम बचें और हम सोम का अर्थात अपने वीर का अपनी इंद्रियों का रक्षण करने वाले हों सुरक्षा करने वाले हों इन पर संयमन करने वाले हों प्रभु हमें प्रकाश की किरणों के साथ प्राप्त हो अर्थात हम एक भी क्षण अब ऐसे जीवन ना जिए जिसमें हमारी हानि हो हानि हमको नहीं चाहिए हमको प्रभु का प्यार चाहिए और प्रभु के प्यार में ही सारा संसार पलता बढ़ता है उन्हीं की शक्ति से ही सारा वैभव चलता है संसार का इसलिए हम प्रभु की भक्ति के साथ मन की और शरीर की शक्ति का ध्यान रखें कभी भी इससे विचलित न हों। और इस प्रकार से कहा है प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो आशा लिए आए तेरे ही द्वारे माता पिता तुम हो तुम ही सहारे आशा लिए आए तेरे ही द्वारे माता पिता तुम हो तुम ही सहारे अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो तुम्हारी ही शक्ति सृष्टि चक्र चलते हर पल दिए देखो गगन में जलते अभय बने हम तुम ऐसा वर दो अभय बने हम तुम ऐसा वर दो हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो तेरी ही आजा में चलते रहे हम हर पल सजगता में ढलते रहे हम तेरी ही आजा मैं चलते रहे हम हर पल सजगता में ढलते रहे हम श्रद्धा सुमन के भावों से भर दो श्रद्धा सुमन के भावों से भर दो हरो द्वेष अभिमान मन शोध कर दो तो मन की शुद्धता ये अत्यंत अनिवार्य शर्त है अध्यात्ममय जीवन जीने के लिए और ऐसा यदि जीवन हम जी पाते हैं तो वास्तव में संसार का सबसे बड़ा उपकार है और यही शक्ति हम सबकी भक्ति के साथ मिलती है प्रभु की भक्ति से ही हमारा यह जीवन सुंदर होता है इसलिए हम ऐसा सामर्थ्य जुटा पाएं और अगला मंत्र भी इसी प्रकार से कहा है यहाँ पर आठवां मंत्र ओम सरस्वती तुमस् अविड्ढि मरुत्वती ध्रेषति जेषित शत्रुन चिच्छर्द तवीशिया वृषभम षंडिकाना कहा कि हे सरस्वती जानकी तो तु अस्मान हमें अविधि रक्षित कर जान ही हमारा रक्षण करता है नहीं जान सदृश पवित्रमिह विद्यते हे सरस्वती तू मरुती प्राणो वाली होती हुई दृष्टि शत्रुओं का दर्शन करने वाली होकर के शत्रु जैसी हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतती है सरस्वती की आराधना का अभिप्राय है स्वाध्याय करना तथा मरुत्वती का भाव है प्राणायाम व प्राण साधना जो प्राणायाम द्वारा प्राण साधना के द्वारा इस साधना में प्रवृत्त रहना इस प्रकार से प्राणायाम के साथ स्वाध्याय हमारे शत्रुओं का धर्षण करता है जो नित्य प्रति स्वाध्याय करता है वह कभी भी भूलता भटकता नहीं इंद्रियों पर पूरा उसका नियंत्रण रहता है और कभी यदि भूल भटकाव आता भी है तो अपने आप को व्यक्ति संभाल लेता है इतना उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है इसलिए कहा है इंद्र वे इंद्रत्यम चित निश्चय से शर्दनतम प्रहसनशील तविशीयमाणम बल की तरह आचरण करते हुए अर्थात अत्यंत प्रबल शंडिका नाम वृषभ नाश करने वाले में उत्तम प्रबल विध्वंसक शत्रु को हंति नष्ट करते हैं हम प्रभु का उपासन करते हैं प्रभु हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं काम आदि शत्रुओं के नाश से हमारा यह जीवन सफल होता है हम स्वाध्याय प्राणायाम व उपासना का आश्रय ले यही हमारे जीवन का लक्ष्य है इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें जान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहें हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे वैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना हम नेक कस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे आ क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा जल तू बहा के कर दी पावन हरिक मन का कोना। हम नम चलेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास होना मन का विश्वास होना ओम शांति शांति शांति